नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आपको भारत और विश्व में हुई आज ही के दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में बताऊंगी, तो आइए उसे देख लेते हैं। आज के दिन 1818 में अंग्रेजों तथा मराठों के बीच तीसरा तथा अंतिम युद्ध रामपुर में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने लॉर्ड मॉरग्रीव्स हेस्ट्रिक्स के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय तथा अन्य मराठा सरदारों ने अगुवाई की थी। यह युद्ध पूना की संधि से समाप्त हुआ था। यह अंग्रेजों द्वारा पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था। आज के दिन 1970 में मशहूर हिंदी कवि कुमार विश्वास का जन्म हुआ था। कुमार विश्वास एक भारतीय हिंदी कवि, वक्ता और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है। उनका मूल नाम विश्वास कुमार शर्मा है। वे युवाओं के अत्यंत प्रिय कवि हैं। आज के दिन 2009 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक है। आज के दिन 1847 में बांग्ला कवि लेखक नवीन चंद्र सेन का जन्म हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर के पहले के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से वे एक है। सेन की सर्वप्रथम कविताएं एजुकेशन गजट में छपी, जिसका संपादन प्यारी चरण सरकार करते थे। आज के दिन अमेरिका के कैलिफोर्निया थिएटर में 1879 में पहली बार रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया गया था। आज के दिन ड्यूक ऑफ कनाड ने 1921 में इंडिया गेट की नींव रखी थी। स्मारक में 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम हैं, जो पश्चिमोत्तर सीमांत अफगान युद्ध 1919 में मारे गए थे। इंडिया गेट की आधारशिला उनकी रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कनाड ने 1921 में रखी थी और इसे डर्विन लुटियन ने डिजाइन किया था। स्मारक को 10 साल बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। आज के दिन ईटानगर को 1979 में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। ईटानगर का नाम ईटा दुर्ग से आया है। ईटानगर के पर्यटक ईटा किला भी देख सकते हैं। इस किले का निर्माण 14वीं-15वीं शताब्दी में राजाओं ने किया था। इसके नाम पर ही इस नगर का नाम ईटानगर रखा गया है। आज के दिन 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच सोबराव की जंग शुरू हुई थी। आज के दिन 1952 में आज़ादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर देश में लोकतंत्र की स्थापना का शंखनाद किया था। आज के दिन 1990 में बृहस्पति की ओर जाते हुए अंतरिक्ष यान गैलीलियो शुक्र ग्रह के सामने से गुजरा था।